इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में पवनदीप राजन की बहन चांदनी की शादी उनके होम टाउन चंपावत में बेहद ही धूमधाम से संपन्न हुई और इस शादी में पवनदीप राजन की सबसे अच्छी दोस्त और इंडियन आइडल सीजन 12 की सबसे चर्चित और लोकप्रिय कंटेस्टेंट अरुणिता कांजलाल भी शामिल हुई और उन्होंने शादी की तमाम रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शादी के दौरान दुल्हन के साथ भी अरुणिता कांजलाल हर जगह नजर आई। बता दें कि पवनदीप राजन की बहन के वेडिंग सेरेमनी की तमाम तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हल्दी रस्म के दौरान पवनदीप राजन की बहन ने अरुणिता को हल्दी लगा दी और सभी के साथ अरुणिता कांजलाल में हर वेडिंग फंक्शन को जमकर एंजॉय किया। साथ में ढेर सारी तस्वीरें भी प्ले करवाई। बहन की संगीत सेरेमनी के दौरान पवनदीप राजन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो वहीं अरुणिता ने भी इस परफॉर्मेंस में पवनदीप राजन का साथ दिया। सोशल मीडिया पर सामने आई शादी की तमाम तस्वीरें और वीडियोस को पवनदीप राजन और अरुणिता के फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। आपको बता दें पवनदीप राजन की बहन चांदनी की शादी पवनदीप के होम टाउन चंपावत में बेहद ही धूमधाम से संपन्न हुई है और इस शादी में पवनदीप राजन के परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे और वहीं इस खास मौके पर अरुणिता कांजलाल भी शादी में शामिल हुई थी। अरुणिता कांजलाल के पवनदीप राजन की बहन की शादी में शामिल होने के बाद तो यह साफ हो जाता है कि अरुणिता का पवनदीप राजन के परिवार के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। शादी की तमाम रस्मों के दौरान अरुणिता कांजलाल बेहद ही खूबसूरत नजर आई और हल्दी सेरेमनी के दौरान अरुणिता कांजलाल पीले कलर के सलवार सूट पहना था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। गौरतलब है कि इंडियन आइडल सीजन 12 के दौरान ही अरुणिता और पवनदीप राजन की दोस्ती हुई और तभी से इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि इन खबरों पर अरुणिता के परिवार वालों ने नाराजगी भी जाहिर की थी, परंतु इसके बावजूद भी अरुणिता और पवनदीप राजन के बीच दोस्ती का रिश्ता आज भी बरकरार है। वेल, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।